फ्रेंड्स, 1986 में टॉम क्रूज की एक्शन मूवी आई थी टॉप गन, और अब इस मूवी का सेकंड पार्ट आया है, हॉल्स में रिलीज हुआ है। और ये मूवी मैंने देखी, ओवरऑल मुझे ये मूवी पसंद आई। मूवी में टॉम क्रूज एक टेस्ट पायलट है जो कि काफी सालों के बाद टॉप गन प्रोजेक्ट में फिर से वापस आए हैं। तो जहां पर पहला पार्ट खत्म हुआ था वहीं से ये पार्ट टू शुरू होता है। पर इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा या आपको ध्यान नहीं तो आपको ये सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा। स्टोरी इसमें इंडिपेंडेंट है, हालांकि उसके आगे से ही शुरू होती है। तो अब यहाँ पर वापस आते हैं टॉम क्रूज उस प्रोजेक्ट में, टॉप गन नाम के प्रोजेक्ट में, और अब वो टेस्ट पायलट है जो कि यंग फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देती है एक खास मिशन के लिए, एक डेंजरस मिशन के लिए, और उस पे ये स्टोरी बेस्ड है। और मूवी ये 2 घंटे 10 मिनट की है, और जो पहला 1 आवर 20 मिनट्स है इसमें स्टोरी बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग चलती है। और अगर आप सिर्फ एक्शन देखना चाहते हैं तो ये शुरू का जो हाफ है, फर्स्ट हाफ, ये आपको थोड़ा बोर भी कर सकता है। पर अगर आप इसकी स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाए, आपका इंटरेस्ट हो, तो स्टोरी तब अच्छी है, ग्रिपिंग है। तो स्टोरी क्या है एग्जैक्टली वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी चलता है टॉम क्रूज का और इनके सीनियर के साथ, क्योंकि इनके विचार आपस में मेल नहीं खाते। साथ में जिनको ये ट्रेनिंग दे रही है उनके साथ भी थोड़ा सा फ्रिक्शन और कन्फ्लिक्ट सा रहता है। ओवरऑल ये शुरू में फर्स्ट हाफ तो 1 आवर 15 मिनट्स या 1 आवर 20 मिनट्स तक थोड़ी स्टोरी पे ज्यादा इसका फोकस रहता है। एक्शन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है शुरू में, थोड़ा बहुत है, जैसे वो ट्रेनिंग देती है तो उस टाइप का एक्शन है। बट फिर मूवी के आखिरी जो 45 मिनट्स है इनमें तो कमाल का एक्शन है, नॉन स्टॉप एक्शन है, बिल्कुल सॉलिड, जबरदस्त स्पेशल इफेक्ट्स, VFX, जेट प्लेन्स के आसमान में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस है, देख के मजा आ जाता है। बिल्कुल नॉन स्टॉप एक्शन है, और जो कसर एक्शन की फर्स्ट हाफ में लगता है कि कम है या उतना मजा नहीं आ रहा, वो सेकेंड हाफ में पूरी हो जाती है। तो मुझे ओवरऑल ये मूवी पसंद आई, बढ़िया लगी, और आप देख सकते हैं इसे। पर ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ा फर्स्ट हाफ में एक्शन नहीं है इसमें या काफी कम है, सेकंड हाफ में है। ओवरऑल मैं इस मूवी को रेटिंग्स दूंगा 4 आउट ऑफ 5। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर जेट प्लेन्स का एक जबरदस्त एक्शन देखना चाहते हैं तो इसको फिर आप हॉल पे देख सकते हैं।